दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि BTS ने कुछ ही वक्त पहले अनाउंस किया था कि वो फिलहाल कुछ समय तक ग्रुप एक्टिविटीज पर नहीं बल्कि अपने सोलो करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। ये न्यूज कुछ आर्मीज के लिए शॉकिंग थी, वहीं कुछ आर्मीज ने BTS को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आर्मीज को टेंशन है कि कहीं BTS के इस सोलो करियर की वजह से BTS का फ्यूचर खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि सभी मेंबर्स अपने सोलो करियर में काफी बिजी हैं, जैसे कि वी का पेरिस जाना, वो भी अकेले और पहली बार ब्लैकपिंक की मेंबर के साथ इतना टाइम स्पेंड करना। वहीं J-Hope का अपनी न्यू एल्बम लॉन्च करना और उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, और बाकी सभी मेंबर्स का अपने अपने काम पर फोकस करना। हालांकि दोस्तों, आर्मीज ने एक चीज नोटिस करी और वो ये थी कि जब से BTS ने अपने सोलो करियर को अनाउंस किया है, तब से हमारे BTS के मेंबर वी का नाम कुछ ज्यादा ही मीडिया में आ रहा है। और काफी सारे नॉन BTS आर्मीज का भी यही मानना है कि वो कुछ समय से सिर्फ और सिर्फ वी का ही नाम मीडिया में सुन रहे हैं। हालांकि दोस्तों, काफी आर्मीज जानती हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन वी और लीसा का मिलना था और उसके बाद उनका पेरिस शो में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना था। हालांकि दोस्तों, आर्मीज इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है। दोस्तों, एक्चुअली रिसेंटली काफी सारी ब्लैकपिंक की फैंस ने भी ये चीज पोस्ट करनी शुरू कर दी है कि BTS ने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया है, लेकिन हर जगह सिर्फ किम तेयोंग का नाम ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आर्मीज ने नोटिस किया कि रिसेंटली ही J-Hope ने अपनी एल्बम रिलीज करी है, लेकिन जहां उनकी बातें होनी चाहिए वहीं पर अभी सिर्फ और सिर्फ वी या फिर BTS के फेमस मेंबर्स जंगकुक इनकी ही बातें हो रही हैं। और दोस्तों, आर्मीज काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे में BTS के मेंबर्स के मन में आपस में लेकर एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आर्मीज का मानना है कि इससे पहले BTS के मेंबर्स एक साथ काम करते थे, वो जब भी कोई गाना रिलीज करते थे या फिर जब भी कोई एल्बम रिलीज करते थे तो उस पर हर एक आर्मी का उन्हें सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब वो अलग अलग काम करेंगे तो कुछ सोलो स्टैंड्स जो हर BTS मेंबर को फॉलो नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते, उनके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेंबर्स को आपस में काफी ज्यादा वेरिएशंस नजर आएंगे। दोस्तों, कुछ वक्त पहले एक बहुत ही बड़ी साइट पे एक वोटिंग भी करी गई थी जहां पर आदमी से पूछा गया था कि वो किस मेंबर का सोलो प्रोजेक्ट देखना चाहती हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आए। जहां पर हर एक मेंबर को इक्वल वोट मिलना चाहिए था, वहीं पर देखा गया कि जिमिन को सबसे ज्यादा वोट मिले, उसके बाद जिन को, फिर वी को और उसके बाद जंगकुक को। और दोस्तों, वहीं J-Hope, सुगा और RM को बहुत ही कम वोट दिए गए और इसको देखने के बाद आर्मीज को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों, इस तरीके से अगर ये साबित होता है कि बहुत ही सारी आर्मीज J-Hope, सुगा या फिर RM का सोलो प्रोजेक्ट देखना ही नहीं चाहती हैं, तो उसके रिलीज हो जाने के बाद भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना जिमिन, जिन, वी या फिर जंगकुक को मिलता है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि BTS के मेंबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनकी आपसी सहमति खराब हो सकती है। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।